अनंत एक बात बताएं, आप खुलेआम मोर्चा आपने खोल दिया है, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सरकार की तरफ से जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं जनता विरोधी है और इस वक्त सरकार पूरी तरह से फेल है, ये कहने में और जमीन पर चीजें दिखने में बड़ा अंतर है। बताइए कैसे, किस आधार पर ये सारी चीजें आप कह रहे हैं अमित, बताइए। देखिए गौरीशंकर जी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आज आप लोगों ने सुना है। आपके चैनल को झारखंड में सभी जगह देखा जाता है, कुछ लोग छूट के देखते हैं, कुछ लोग दिखा के देखते हैं, आप भी समझ रहे होंगे। चलिए, हमारे चैनल को लोग देखते हैं ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मतलब कुछ लोग छूट के भी देखते हैं, लेकिन देखते हैं। तो गौरीशंकर जी, जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के संयुक्त अलायंस की सरकार जो वहां पे बनी है 2019 से, लगभग 2 साल होने को है सरकार को, लेकिन 2 साल के दौरान आपने देखा होगा कि विकास के मामले में 0 डिग्री, 0% जेपीएससी का जिस तरीके से अभी मामला चल रहा है, जेपीएससी के अभ्यर्थी सड़क पे उतरे हुए हैं, आपका चैनल रोज आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को आप दिखाते रहते हैं कि बच्चे कैसे, अभ्यर्थी कैसे परेशान है। आपने पंचायत चुनाव का जिक्र किया होगा, पंचायत चुनाव भी ये 2 साल में नहीं करा पाए। पूरे देश में इनके बगल के प्रदेश में बिहार में पंचायत चुनाव लगातार पिछले 2 महीने से चल रहा है, अगले महीने तक चलेगा। बंगाल में चुनाव हुए, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत के इतने बड़े चुनाव हुए, लेकिन इनके पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। तो गौरीशंकर जी, इनकी सरकार ने पिछले महीने, आपकी सरकार जनता के द्वार एक कार्यक्रम बनाया है जो कि 29 दिसंबर तक चलना है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि 29 दिसंबर के बाद ये चुनाव की घोषणा करवाएंगे, इसलिए कि जनता को गुमराह करके 1 महीना में ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में क्या क्या काम किया है, जबकि कुछ भी काम नहीं किया है। गौरीशंकर जी, हम तो इस सरकार के विषय में ये कहना चाहते हैं कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता इस सरकार से परेशान हो गई है, त्रस्त हो गई है। नहीं, 3.5 करोड़ जनता